व्यापारी को भी इन्होंने इस तरह से कर दिया कि ये बहुत बड़े फ्रॉडी हैं, बहुत बड़े चोर, इस तरह करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी आपके साथ खड़े हुए। 2024 से पहले 2014 में मोदी जी भी बोले थे, हमने कहते हैं ये उनका जो है आवाज़ होगा, ये आप भी कहीं सुने होंगे कि काले धान वापस लाएंगे और गरीबों के बीच में जो है बांटे जाएंगे। क्या किसी आदमी को अकाउंट में जो है काला धन का पैसा आया है? तो मोदी को ही बोल रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा इस बार फिर आएं। देश ने क्या हर कोने ने एक ही मत बना रखा है कि अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी जी की राम राम सब तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मैं नसीब खान, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रोग्राम लेकर आया हूं किस्सा कुर्सी का। आज मैं सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर में मौजूद हूं, जहां पर आम आदमी पार्टी के एमएलए और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या हैं तैयारियां 25 मई को होने वाले इलेक्शन की, क्या हैं तैयारियां, और हम जानते हैं और पूछते हैं। वो से पैसा वसूल के लेके जाते हैं, तो जीएसटी से व्यापारी बहुत परेशान है और जीएसटी को पीएमएलए में डाल दिया गया है। आज व्यापारी को भी इन्होंने इस तरह से कर दिया कि ये बहुत बड़े फ्रॉडी हैं, बहुत बड़े चोर, इस तरह करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी आपके साथ खड़े हुए हैं, और ये सरकार तानाशाह की सरकार जो जीएसटी को लेकर आई है, जिन्हें जीएसटी को पीएमएलए में डालने का काम किया है, उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। अब की बार कुछ नए मुद्दे सर जो आने के बाद व्यापारी के हित के लिए काम करेंगे, व्यापारी के जीएसटी के लिए काम करेंगे। व्यापारी के बहुत सारी समस्याएं हैं, आज कामधंधा चौपट हो चुका है, कामधंधा है नहीं मार्केट में, उसको खत्म करने का काम करेंगे। मौजूद थे पूर्वी दिल्ली के एमएलए जिनसे हमने बात की और जाना आम आदमी पार्टी की उपलब्धियाँ। लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में हम मौजूद थे, जो आज यहाँ पर हमने जगह जगह दुकानों का जायज़ा किया और यहाँ पर एक ऑफ़र निकाला हुआ है कि 25 तारीख को आप वोट करिए और यहाँ आइए, हमारी शॉप पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो हम यहाँ के ओनर से जानना चाहते हैं कि क्या ऑफ़र निकाला है। सर क्या नाम है? मेरा नाम मनोज है जी, मनोज कथुरिया है जी। हाँ जी, वी विल डेफिनेटली गिव द डिस्काउंट ऑन 26, हू गिव द वोट ऑन 25th ऑफ दिस मंथ, वी विल डेफिनेटली गिव द सम डिस्काउंट, जो भी हमारे को जस्टिफाइड लगेगा वी विल डेफिनेटली गिव। हर आइटम किसी को डिस्काउंट है, हर कोई भी। तो आप उसको कैसे पहचानेंगे वोट करके आया है? हाथ से मार्क्स लगा होगा जो, डेफिनेटली। तो ऐसा सेंट्रल मार्केट में ये पहली बार हो रहा है? बिल्कुल, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज डन इन आवर सेंट्रल मार्केट। तो एनी प्रोडक्ट पे 25% डिस्काउंट? नहीं, 25% तो नहीं है हमारे, एज पर आवर मार्जिन वी विल गिव समथिंग, कुछ भी हो, परसेंटेज वाइज नहीं कह पाएंगे, बट एमआरपी से कम देंगे, डेफिनेटली। आपको क्या लगता है ऐसे करने से क्या बेनिफिट? कुछ नहीं, अपना यह है प्रमोट करना सबसे बढ़िया। आप इनोवेट कर रहे हो किसी को कि आप डालिए और आप यू विल गेट समथिंग, बट पीपल आर वेरी एजुकेटेड आज की डेट में। बाकी हमारे पास जो आएगा हम उसको जरूर देंगे अपना डिस्काउंट, इट्स ऑल अप टू द कस्टमर बस। बाकी ये आपने अपना पर्सनल डिस्काउंट देने का मतलब सोचा था या एक आपके एसोसिएशन जो होती है उसके द्वारा? ये एसोसिएशन ने ही बोला था और पर्सनली भी अपना सोचा है कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारा राइट भी बनता है और देना भी चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, बट बनता है, अपना देना राइट है, आपको वोट देने का राइट है और आपको देना भी चाहिए, आपका वोट बेकार ना जाए, बस दैट्स इट। 25 मई को इलेक्शन है, क्या लगता है आपको किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री और क्या होनी चाहिए मोदी? सर नो कमेंट्स ऑन दैट, इसके ये इट्स अ वेरी टफ डिबेट, ओनली टाइम विल टेल। जो भी करेगी जनता अपना देश के लिए, देश के हित के लिए करेगी, फैसला जनता के हाथ में। दैट देखिए, मेन किंग जो है वो जनता है अपना, वो जिसको अपना दिल से चाहेगी उसको वोट देके उसको अपना सर्वप्रिय बना देगी। कुछ ऐसा लगता है कि बदलाव आना चाहिए या कुछ नया होना चाहिए? देखिए एक बंदे से कुछ नहीं होता, एक पर्सन से कुछ नहीं होगा, ये जनता ही डिसाइड करेगी। लेट द टाइम विल कम, दैट्स इट। हमने जायज़ा लिया और जाना कि ये एसोसिएशन के द्वारा ये बोला गया था कि आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें आप डिस्काउंट दे सकते हैं, पर ये अपनी खुशी से भी दे रहे हैं डिस्काउंट। देन 26 तारीख को देखते हैं क्या होता है। जो थे लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सभा को संबोधित किया था, जो एमएलए आए थे, तो यहाँ कुछ लोग दर्शक मौजूद थे, हमने उनसे जाना कि क्या लगता है आपको 2024 के। देखिए 2024 का इलेक्शन जो है बहुत अहम जो है चुनाव है, और हमने जो है 2024 से पहले जो नेताजी बोले थे, तो हम ये कहते हैं कि बोलिए उतना ही जितना कर सकते हैं,
आप बोल दिए जो है प्रश्न के लिए पूरा इतना बड़ा जो है मतलब जो है बात बना दिए और काम करने के लिए समय में बिल्कुल ना हो तो ये क्या है। 2024 से पहले 2014 में मोदी जी भी बोले थे, हम नहीं कहते हैं, ये उनका जो है आवाज़ होगा, ये आप भी कहीं सुने होंगे कि काले धान वापस लाएंगे और गरीबों के बीच में जो है बांटे जाएंगे। क्या किसी आदमी को अकाउंट में जो है काला धन का पैसा आया है? नहीं आया। हम एक अति पिछड़ा जो भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार राज्य है, आज़ादी का जो है 75 साल ये बीत रहा है 1947 के बाद, लेकिन आज तक जो है वह पिछड़ा राज्य जो है पिछड़ा राज्य का पिछड़ा राज्य है। क्यों? कि वहाँ पर हद से ज़्यादा बेरोजगारी है। अब आप कहिएगा जो बीजेपी गठबंधन तो नीतीश बाबू भी हैं, लेकिन ये बताइए उनका काम क्या है। वो मैं जो देखता हूँ अपने गांव के जो आसपास में स्कूल है उसमें देखता हूँ, गांव में खिचड़ी बंटवा देना है, विद्यार्थी जो है वो कटोरा लेकर के खिचड़ी के लालच में टहल रहे हैं, पढ़ाने वाला शिक्षक ही नहीं है। क्या इससे शिक्षा प्राप्त हो जाएगा? मुद्दे बहुत सारे हैं, बेरोजगारी का है, शिक्षा का है। बात बता रहा हूँ, यदि आप शिक्षा पर यदि जोर देते हैं तो सही अच्छा जो है मायने पर जो है टीचर को जो है सही ट्रेनिंग करके जो है आप स्कूल में भेजिए, उसका जो है जांच करवाइए हर समय पर कि विद्यार्थी को सही से जो है पढ़ाई हो रहा है। दिल्ली में क्या लगता है आपको? आप दिल्ली में मौजूद हैं इस समय, हम भी दिल्ली में मौजूद हैं, आपको क्या लगता है दिल्ली में? दिल्ली में तो देखिए बिहार के अगर अपेक्षा दिल्ली को लेंगे तो दिल्ली का तो व्यवस्था जो है बहुत अच्छा है, ये बात में हम कहीं जो है दिल्ली का व्यवस्था बहुत अच्छा है, दिल्ली में कोई दिक्कत हमें जो है इस तरह नहीं दिख रहा है। किसकी बननी चाहिए सरकार? सर जो है आगे जो है मोदी जी का जो है बनना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है हम जो देख रहे हैं उसमें जो है अगर वो विश्वास पर उतरेंगे तब, अगर नहीं ऐसे करते रहेंगे तो आगे हम लोग इनके जो है मोदी जी को वोट नहीं मिलना चाहिए। पहला ये हुआ। दूसरा नंबर ये बात है कि यदि हम चोर हैं और एक और चोर है, यदि आपके साथ अगर वो चला गया तो वो सावध हो गया, और हम यदि चोर है तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और दूसरे आदमी के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हम जानते हैं और भी मौजूद हैं यहाँ पर, आज हम अभी मौजूद हैं, हमने दिल्ली में जायज़ा लिया, जगह जगह हम पहुँचे, हमने देखा कि जनता की राय, 25 तारीख को इलेक्शन है, हम जानना चाहते हैं जनता की राय कि किसकी बनेगी सरकार, किसको करेंगे वोट, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। अभी हम जनता के मौजूद हैं कालका जी में, हमने जाना और पूछेंगे हम कि किसको चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी की। क्या ऐसा मोदी ने काम किया? मोदी ने अच्छा काम किया है, बताइए। जो एक 15-20 साल से नहीं हुआ वो अब हो रहा, और क्या बताएं, हाँ और क्या बताएं। और हम पूछेंगे, मौजूद हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सजीव मोदी ने इतने सालों में बहुत अच्छा काम करा है हमारे बहनों के लिए, भाइयों के लिए, उसने जो पेंशन लागू करी है वो भी बहुत अच्छा काम करा है। सब हम तो जी मोदी को ही वोट देंगे, हम तो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा इस बार फिर आएँ। राहुल गांधी ने ये कहा है कि वो 150 भी नहीं ला सकते। राहुल गांधी जी की खुद एक सीट नहीं आनी है, हम 400 प्लस करेंगे इस बारी, 400 प्लस होगी हमारी। बस देखो हम अभी जनता की राय जान रहे थे, हमें यहाँ पे पता लगा, कह रहे थे कि मोदी की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, और हम पूछना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप, किसकी बननी चाहिए सरकार? बीजेपी। क्या ऐसे फ़ायदे हैं? बहुत फ़ायदे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा का है, सबका मुद्दा है, बीजेपी का बहुत मुद्दा है। अब मैं एक एक क्या कर गिनाऊँ उसका मुद्दा, एक एक करके क्या गिनते तो जो सबको मालूम है कि क्या क्या मुद्दा है उसके बहुत हैं। बीजेपी को ही लाना चाहते हैं, अब की बार 400 पार का नारा है, सभी लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार आएगी और हम उसको ही वोट करेंगे। और हम जानते हैं और पूछते हैं जनता से, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? या तो जी अब की बार परिवर्तन चाहती है सरकार, इंडिया गठबंधन सरकार बननी चाहिए अब की बार। हाँ, यहाँ तो हम तो अरविंद केजरीवाल की सपोर्ट करते हैं, रहने वाले यूपी के हैं, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, अब की इंडिया गठबंधन सरकार बननी चाहिए। हाँ, तो क्या ऐसे केजरीवाल ने जनता को दिया है जो आप उनको पसंद कर रहे हैं? नहीं, केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं, सब लोग सबको गठबंधन है हर किसी का, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को भी हम चाहते हैं, हम तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल सरकार बननी चाहिए, इंडिया गठबंधन सरकार बननी चाहिए।
और सही है यहाँ पे केंद्र, यहाँ पे पुलिस है वो मोदी के हाथ में, तो फिर भी इतने भ्रष्टाचार हो, ये तमाम हत्या होती है, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती यहाँ पे, ऐसी दिक्कत है। अच्छा, भ्रष्टाचार हत्याएं वगैरह होती हैं तो पुलिस कुछ नहीं कर पाती? हाँ, बहुत कम हो पाती है, जगह जगह हत्याएं होती हैं, जगह जगह लूट होती हैं दिल्ली में, ये ऐसे सुधार नहीं हो पाता, यानी क्राइम बढ़ा है। हाँ, थोड़ा सुधार नहीं हो पाता, फिर भी सुधार नहीं हो पा रहा। हम तो इंडिया गठबंधन चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान जी, अभी इलेक्शन आ रहा है दिल्ली में, क्या चाहते हो? मैं जो दिल्ली में काम कर रहा है उसी को जिताना चाहता हूँ, और क्या, जो दिल्ली में मतलब सही काम कर रहा है, बेरोजगार को रोजी दे रहा है उसी को। अब दिल्ली में तो सही काम, जहर सी बात है, आम आदमी ही कर रहा है, झाड़ू वाला ही कर रहा है, क्योंकि जो भी दिक्कत है, रोड है, जो भी है, अस्पताल, सब कुछ वही सही कर रहा है। पहले तो एकदम गंद पड़े रहते थे अस्पताल, जहाँ देखो गुटखा उटका, आज अस्पताल के अंदर जाओ, सरकारी अस्पताल के अंदर एकदम मस्त मिलेगा। तो भाई वो बंदा काम कर रहा है तो देखो वही जीतेगा। जहाँ तक अभी आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी, क्या लगता है, अभी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, इनमें सब कांटे की टक्कर है, उसमें क्या लगता है? अब पब्लिक तो मान लो जैसे जो काम करेगी, जहर सी बात है, उसी को वोट देगी, जहर सी बात है। रोजगारी का मुद्दा सब उठाते हैं, क्या आपको लगा कि विकास कार्य हुए हैं? विकास कर क्या, अब जब बनेगा जब ही तो विकास देगा, अभी तो वो बेचारा खुद ही जेल में है। अब जब बनेगा तो विकास तो करेगा ही, बहुत विकास कर रहा है दिल्ली के लिए, तो केजरीवाल सही है, विकास कर रहा है, हर चीज़ सही कर रहा है, वो अपनी तरफ से पूरा वो कर रहा है। मतलब आप केजरीवाल को सपोर्ट करना चाहते जी? और हम जानते हैं जनता से मौजूद है यहाँ पर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रबोध कुमार। अच्छा, क्या लगता है आपको ये इलेक्शन इस बार दिल्ली में? देखो जी, अब इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, बाकी सरकार तो है बीजेपी की बनेगी। अच्छा, जहाँ तक है। अच्छा, हाँ, तो इसने क्या इससे अच्छे काम किए क्या बीजेपी? अभी तो विपक्ष तो कह रहा है कांटे की टक्कर है, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की टक्कर हो या ना हो, बाकी सरकार बीजेपी की बनेगी। क्यों? अब अच्छे काम को तो इन लोग कोई गलत भी नहीं करा, बीजेपी ने क्या गलत करा? दुनिया भर में रोड बनवा दिए, दुनिया भर को नाज दे रही है, किसानों को पैसा दे रही है साल में 6,000 रुपये, गुंडागर्दी ख़त्म हो गई सब, और क्या होगा? राहुल गांधी ने कहा है कि हम 1,00,000 रुपये पर ईयर महिलाओं को देंगे, लगभग 8,000 रुपये महीना, ऐसी कोई योजना भी आपको लगता है दे देगा? दे देंगे वो। अब हम पहुंचे हैं दिल्ली के कालका जी में, जहां गोविंदपुर एक्सटेंशन में बीजेपी की रोड शो हो रहा था, उसमें मौजूद पहुंचे हैं। हम मैडम से जानना चाहते हैं, मैम क्या नाम है? मैं योगिता सिंह हूं, दिल्ली बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट हूं और इस एरिया की निगम पार्षद हूं। हमारे लोकसभा के कैंडिडेट रामवीर विदुड़ी जी हैं, जो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, और उन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। हम उनके लिए पदयात्रा कर रहे थे और पूरी देश ने क्या, हर कोने ने एक ही मत बना रखा है कि अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। हम मोदी जी की राम राम सब तक पहुंचा रहे हैं और अपने कैंडिडेट का पर्चा भी सभी को दे रहे हैं कि आने वाली 25 तारीख को वो लोग कमल के फूल पे बटन दबाएं। मैम, कुछ ऐसे नए मुद्दे, अभी 10 साल सरकार रही है और आने वाले टाइम में आप कह रहे हैं अब की बार 400 पार, एक ही नारा, तो क्या कुछ नए मुद्दे ऐसे हैं आए हैं जो कि आप शेयर करेंगे, कुछ करना चाहिए? देखिए, पहले सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, उसके बाद उसमें विश्वास जुड़ा, अब फिर प्रयास जुड़ते जुड़ते अब मोदी जी की गारंटी, अब पूरा देश इस गारंटी को मान रहा है और उसी गारंटी के आधार पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी जो बातें कहते हैं वो पूरी करते हैं, इस बार के हमारे संकल्प पत्र में भी जो बातें हमने कही हैं वो आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। राहुल गांधी ने ये कहा था कि वो 150 भी ला के दिखा दें, अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी का है कि 150 भी ला के दिखा दें, उसमें क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी अपनी ही सीट बचा लें वही बड़ी बात है। राहुल जी अमेठी को छोड़ के वायनाड, वायनाड से फिर रायबरेली, वो तो एक लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी ने देश में 60 साल राज किया, वो बात पार्टी का उत्तराधिकारी ये बात कह रहा है, उसको ये बात कहने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है। और हम राय जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे सर? फिर से मोदी सरकार, अब की बार 400 पार का नारा, इस बार फिर मोदी सरकार। ये रोड शो है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।